तुमने तो आज हद ही कर दी। क्या हद कर दी मैंने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? वो मुझे पढ़ने लिखने से कैसे रोक सकते हैं? मेरा जुर्म इतना कोई बड़ा नहीं है कि मुझे पढ़ने लिखने से मना कर दे। समाह उनको लगता है कि तुम बाहर निकल के खुद सर होती जा रही हो। अच्छा, अपना हक इस्तेमाल करना खुद सर ही होता है क्या? समाह खुदा के लिए करके ना तालीम को बदनाम मत करो, अच्छा? वरना लोगों को लगेगा लड़कियाँ तालीम हासिल करके बिगड़ जाती हैं। प्लीज, अब मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा वैसे ही मूड बहुत खराब है। अब ये अच्छा है, करो भी खुद, एंड में मूड भी अपना खुद खराब करो तुम। आप माफ कर दें, उसे नादान है ना, बस इसीलिए। वो 22 साल की बालिग लड़की नादान है। और डालो पर्दा उसके करतूतों पर। ऐसे तो ना कहें, आखिर औलाद है वो हमारी। औलाद है तो क्या, उसे जूतों समेत आंखों में घुसने दूं? मैं, वो आएगी ना, मैं उसे समझाऊंगी। तुम क्या समझाओगी? मैं समझाऊंगा, मैं उसकी यूनिवर्सिटी छुड़वा के घर बिठाऊंगा उसे, तो उसे अकल आएगी। नहीं नहीं, ऐसा ना करें, इतने अच्छे नंबर आते हैं मेरी बच्ची के। अच्छा, नंबर अच्छे आते हैं तो इसका मतलब है कि वो मेरे सर पे चढ़ गए। अच्छा, आप गुस्सा थूक दे, नाश्ता करें ना। नहीं कर रहे मुझे नाश्ता, और खबरदार उसकी हिमायत करने आई तुम तो। ये आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है, सब बैठकर इकट्ठा नाश्ता कर रहे हैं। हम अक्सर साथ बैठते हैं, हर वक्त तंज करने की जरूरत नहीं। सुधे जरा चीज पास करना। थैंक यू। अब शायद तुम बाज आ जाओ। जिंदगी में सब कुछ होता है, और मैं डरने या घबराने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नहीं, अरे तुम्हारा बाप है ना, डरने के लिए, घबराने के लिए, हर मुश्किल झेलने के लिए। तुम तो बहुत ही लकी हो कि इस घर में पैदा हुए हो। कहीं और पैदा होते ना, फिर मैं पूछता कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितने इम्तिहान लेती है। अल्लाह ना करे मेरे बेटे से जिंदगी कोई इम्तिहान ले। भाई, जब तुम्हारी शय है इसलिए तो इतना अकड़ता। देखो, जवानी हम पर भी आई थी, लेकिन हमने तो ऐसी हरकतें नहीं की। देना। तौबा नुमान, तुम एक चीज को पकड़ के उसके पीछे पड़ जाते हो। जाने भी दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। कैसे भूल जाऊं इतनी बड़ी बात को, इतनी आसानी से भूल जाऊं? शायद तुम भूल रही हो कि इज्जत मेरी दांव पर लगी थी। अगर ये तुम्हारे साथ होता ना, तब मैं तुमसे पूछता। बस भी कर दे डैड, मैंने कोई डाका नहीं डाल दिया या कोई कत्ल नहीं कर दिया कि आप इतने बिगड़ रहे। मेरे दोस्तों को देखा करे, वो क्या क्या काम करते हैं। उनके पेरेंट्स हर बात का बतंगड़ नहीं बनाते, आपने तो इतनी मामूली सी बात को पता नहीं क्या कर दिया। क्यों नाश्ते को बदमजा कर रहे हो? हजार बार कह चुका मुझे तुम्हारे दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों उनके साथ हैंग आउट करता, पहले तो ये मुझे समझ में नहीं आता। और देखो, अगर मैं बर वक्त वहां नहीं पहुंचता ना, तो वो लोग तुम्हारे साथ क्या हरकत करते कुछ अंदाजा है? लेकिन नहीं, ये तो इस बात को सीरियसली नहीं लेना। बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर, थैंक यू सो मच। अरे क्या हो गया आप लोगों को? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं, आप तो बस जताने का मौका चाहिए। सुदेश, नुमान, पेरेंट्स का काम बच्चों को सपोर्ट करना। अब अच्छा ही होगा अगर हम इन बातों को खत्म कर लें, प्लीज। सुदेश, अपना जूस पियो, और आज यूनिवर्सिटी मत जाना, तुम अभी भी रिकवर कर रहे हो। हाँ मॉम, इसके दोस्त मर जाएंगे इसके बगैर। और नहीं तो क्या, हीरा है मेरा बेटा, हीरा, सबकी जान है। यूनिवर्सिटी में इसलिए जाता हूँ क्योंकि इस घर में मेरा दम घुटता है। Oh, I'm sorry. दम घुटता है तो मैं ही चला जाता हूँ भाई, फिर शायद तुम आसानी से सांस ले सको। हाँ, पूरा आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। Excuse me, but someone has to earn a living. हुआ? मेरे कपड़े तैयार हैं और जूते पॉलिश किए। वाओ यार, ये तुम्हारा मंगेतर है, बड़ा गुड लुकिंग है, कहाँ से पकड़ा?
कजन है मेरा, आर्मी में कैप्टन है। काश मेरे भी 3-4 कजन होते, एक डॉक्टर होता, एक इंजीनियर होता, एक आर्मी में होता और एक अपना बिजनेस कर, और सब मुझ पे मरते। फिर तुम किसी को घास नहीं डालती है ना? नहीं ऐसा भी नहीं है, जो अच्छा लगता है उसको घास डालती। मैं अपनी मन की करती हूँ और शादी भी अपनी मर्जी से करूँगी। तुम्हारे अब्बा तो बहुत सख्त हैं, फिर भी तुम्हारे ये ख्यालात तुम्हें करने देंगे ऐसा? हाँ क्यों नहीं, मेरी जिंदगी पर किसी का अख्तियार नहीं है और मैं किसी की गलत बात नहीं मानती, बेशक वो मेरे अब्बू क्यों ना। जाहिर है दिमाग तो इतना सा है। तुम्हें मेरी बात में बोलने का कोई हक नहीं है, समझी? मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूंगी, समझी? Just shut up, okay? You shut up. How dare you speak to me like that? तुम यहाँ से जाती हो कि? समाहा, leave it. छोड़ो समाहा, तुम्हें तो पता है ना इसकी आदत का। छोड़ो समाहा, तुम्हें तो पता है ना इसकी आदत का। अच्छी तरह जानती हो तुम जैसी लड़कियाँ इस यूनिवर्सिटी में क्यों आती हैं? अपने लिए हस्बैंड तलाश करने और अपनी लीक जंप करने के लिए, है ना? आप कब तक खाने से और मुझसे खफा रहेंगे? खुदारा अपनी नाराजगी खत्म कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ आपकी वजह से। ये तो अपनी लाडली से पूछो जो मुझे परेशान करके खुद मजे में। मजाल है कि मेरी बेइज्जती पर जरा वो पशेमान हो या उसने माफी मांगी हो। अब देखो मेरे मना करने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी चली गई। सर आप मुझसे क्यों खफा हैं? रिस्क से क्यों खफा हैं? खुदा के वास्ते नाराजगी छोड़ दें, वो अपनी गलती मान के आएगी, आपसे माफी मांगेगी, आप खाना तो खाए ना। नहीं नहीं, नहीं वो माफी नहीं मांगेगी। मैं जानता हूँ कितनी जिद्दी और कितनी ढीठ है। आप बुला क्यों नहीं देते इस बात को? गुस्सा थूक दीजिए ना, जाने दें सारी बात को। मैं रिश्ते वाली से बात करती हूँ, इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। पहले अपनी लाडली से पूछ लो तो राजी भी होगी या नहीं। क्यों नहीं होगी? जैसे पहले राजी हो गई थी। नहीं नहीं वो और बात थी, उसको ऐसे लड़के पसंद नहीं। अच्छा तो उसे कैसे लड़के पसंद है? वो कहती है कि नए जमाने के किसी लड़के से शादी करेगी, दखियानूसी से नहीं करेगी। हाल वाला हुआ, यानी उसने कहा और तुमने सुन लिया? यानी उसे शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी पसंद बताते हुए? ये जमाना आ गया है, यानी अब वो बच्ची यहाँ अपने माँ बाप को अपनी पसंद बताने लगी है। क्या करें, नए जमाने के बच्चे हैं, अपनी पसंद से जीते हैं। बाहर में जाए उसकी पसंद, बता देना उसे कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढता हूं और फिर देखता हूं कि वो कैसे राजी नहीं होती। और ले गए ये खाना, नहीं खाना मुझे, मेरा तो खाना पीना हराम कर दिया तुम लोगों ने। हाल वाला कुआत, अपनी पसंद बता रही है मां को, ये जमाना आ गया। हाल वाला कुआत, oh hello, why is my baby sister so sad today? मत करो,
समझती क्या है खुद को? किसी फर्नीचर खानदान से ताल्लुक रखती है वो, और यूनिवर्सिटी में तो ऐसे प्रीति जैसे प्रिंसेस हो मैडम पिंक की। कौन 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 किसकी बात कर रही हो? वही समाहा, सुना नहीं तुमने उसके बारे में? घर से अबाया पहन कर आती है और यूनिवर्सिटी आते ही उतार देती है, ऐसे ही प्रीति रहती है लड़कों के सामने। बड़ी चीटर है, तुमने नहीं देखा इसे? नहीं, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। काफी फेमस है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, शक्ल भी बस ठीक ही है, एज इन मतलब अच्छी है, और इतनी शोखी होती है ना, पता नहीं क्या समझती है खुद को। अरे तो फिर मुझसे मिलवा दो ना, ओवर है तो अंडर हो जाएगी। क्यों, मैं तुम्हें क्यों मिलवाऊंगी? रहने दो तुम, वो किसी से नहीं दबती। अच्छा। वो सिर्फ मेरी जैसी उसे दबके रहती है। अरे वाह, जूते की नोक पे रखती हो सुनो। अच्छा कहीं भी रखो, एक बार तो मिलवा दो। Why? तुम अपने काम से काम रखो, अपने फड्डे संभाले नहीं जाते और मेरी चीजों में इंटरफेयर करेगा। Come on यार, सिर्फ एक बार दिखा दो मुझे, देखे तो सही किसने मेरी बहन से पंगा लिया है। Really? My foot. आई बड़ी, मुझे क्या सताएगी, इतनी औकात है उसकी। और अपनी बहन को इतना कमजोर मत समझो, I can handle myself. मैं क्यों समझूंगा, आखिर बहन किसकी है? थैंक यू। हाँ, सुदेश। समाहा मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? जी वो तुम्हारा इत्मीनान अभी भी काबिले दीद है, मतलब सुबह इतनी बड़ी बात हो गई, अब्बा ने कहा था कि तुमने एक पांव भी बाहर निकाला तो वो ताल्लुक खत्म कर लेंगे। अब्बा है हमारे, ऐसे ही गुस्से में कह रहे होंगे, कौन सा हमसे ताल्लुक खत्म कर देंगे वो कुछ भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा बस ना, बहुत डराओ मत मुझे। अच्छा आपको डर भी लगता है? मैं किसी से नहीं डरती। नहीं ऐसा ना हो, भी मौजूद हूँ इस वक्त। वहीं रुक जाओ, इस घर में नाफरमानों को कदम रखने की इजाजत नहीं है। आप मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहे? ना मैं रोक सकता हूं, मेरा घर है। तो फिर हमारा घर कौन सा है जिसमें हम सुकून की सांस ले सकें? देखा, बजाय माफी मांगने के ज़बान चला रही है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। अच्छा, यानी तुम्हारी नजर में बाप की नाफरमानी कोई गलत बात नहीं है, गुनाह है ये। औलाद के साथ जबरदस्ती करना, उन्हें तालीम से रोकना, ये गुनाह नहीं है? खामोश हो जाओ। बेहतर था कि इसके पैदा होते ही मैं इसका गला घोंट देता। तो दौरे जहालत की याद ताजा कर लेते आप? देखो देखो, मुसलसल बोल रही है। हराम है जो इसके चेहरे पर एहसास शर्मिंदगी की जरा सी झलक भी हो। आप माफ कर दें, इसे गलती हो गई, इससे मैं इसे समझा दूंगी, आइंदा नहीं करेगी। समाह माफी मांगो अब्बा से। ठीक है, अगर मेरी माफी मांगने से आपकी अना को तस्कीन मिलती है तो माफ कर दे। ये माफी मांगी है या लठ मारी है? ये सब क्या हो रहा है? ए मॉम, सैटरडे को पार्टी है घर पे। ओह हाँ, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, हाउ एक्साइटिंग। आपको याद था इट्स माय बर्थडे?
मुझे कैसे भूल सकते हैं तुम लोगों की बर्थडे? इसलिए नहीं भूलती क्योंकि हर साल मेरी बर्थडे पे बहुत बड़ी पार्टी होती है। अच्छा मॉम, दिस यू गॉट मी फ्रॉम लंदन, रिमेंबर? लंदन से। इसके साथ मैं ब्लैक शर्ट पहनूं या वाइट? ब्लैक ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी लगी। श्योर? बहुत अच्छी लगी। अच्छा आप अच्छी लग रही हैं, कहाँ जा रही हैं? बस कुछ दोस्तों से मिलना है। ऑलराइट बाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक नाराज हैं? तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि माएं हमेशा बेटियों की हिमायत करती हैं, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो। मेरा तो दिल वापस आने को नहीं चाह रहा था, मगर क्या करूं, मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में तुम सबको लिख दिया है, एक लड़ी में हमें परो दिया है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन यहां क्या हाल, पता नहीं वो कौन से खुश नसीब मर्द होते हैं जो घर जाएं तो घर की औरतें उनके आगे पीछे फिरती हैं और एक मैं बदनसीब। मैं चाय लेके आऊंगा आपके लिए। अम्मी मुझे वो बड़ा वाला ट्रे नहीं मिल रहा, इसलिए चाय और समोसा। वाह, बाप नाराज है, खफा होकर घर से चला गया, यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है, ज़ियाफ़तें उड़ रही हैं। अब्बा आपको तो बात बात पे नाराज होने की आदत है, चाय पी ली समोसा खा लिया तो उसमें ज़ियाफ़त क्या है? तुम तो मत मुंह लगो मेरे। आप चाय तो पी लें। रहने दो, खुद ही पियो। ये जो एहतमाम हुआ है ना, ये सिर्फ तीन लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अम्मा, अब्बा आ गए क्या? हाँ आ गए हैं, बहुत गुस्से में हैं। क्यों? गुनाह पर गुनाह जो हो रहा है ना उसे। कौन सा गुनाह? हमें अल्हाम नहीं हुआ ना कि अब आ रहे हैं, इसलिए हमें गरम गरम चाय जो तैयार नहीं की। हट, मेरे हिस्से का कप दो और मैं समोसे भी लेके जा रही हूँ, मैं तो उन्हें दो। बस करें आप उनको खुशामद, अभी तो नसीब में लिखा है। मूड ही खराब कर दिया पूरा। वैसे समाहा, तुम्हारा आज सज्जल से किस बात पर फड्डा हुआ था? किसी नई बात पे नहीं। तुम उलझती क्यों हो उससे, हालांकि तुम अच्छे से जानती हो वो कितनी बदतमीज लड़की है और उसे कितना गुरूर है अपने स्टेटस पे। तो होता रहे उसे गुरूर, मुझे इससे क्या। और मैं नहीं उलझती उससे, अच्छा वो मुझसे बिलावजा उलझती है। ये जो तुम ये फिजूल की नॉवेल्स पढ़ती हो ना रोमांटिक, इन्हीं की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। वैसे कोई फिजूल का नॉवेल नहीं है। अच्छा अब्बा ऑलरेडी तुमसे नाराज थे इतना, अम्मा बता रही थी तुम फिर बहस करने बैठ गई उनसे। अब्बा तो हर फिजूल बात में खफा हो जाते हैं, हमें क्या पता कि गुस्सा होने के बावजूद वो इतना जल्दी वापस आ जाएंगे और हमें उनके लिए चाय बनाकर रखनी चाहिए। अब ये भी कोई बात है, इस बात पे खफा हो गए वो, क्या हम उनके काम नहीं करते?
वैसे अम्मा बहुत परेशान है इनकी इस नाराजगी से। कितना रोमांटिक लिखा हुआ है ये नॉवल, ग्लैमर, लग्जरी, क्या कुछ नहीं है इसमें। मेरा दिल चाह रहा है बस निकल के इसी में घुस जाऊं। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? पता नहीं क्या कहती रहती हो तुम हर वक्त। फजूल में ये खुदाई फौजदार बनकर मेरे सर पे मुसल्लत ना हुआ करो। अब्बा का डरावा, अम्मी का दहलावा, इतना डरती हो तो खुद ही डरा करो ना, मुझे क्यों डराती हो? हाँ सही बात है, आप वैसे भी क्यों डरेंगी, आप तो समाहा अब्दुल मन्नान जो ठहरी है ना। अब्बा को वैसे ही आदत है, छोटी सी बात को पकड़ लेंगे और हफ्तों हफ्तों तक ही नाराज रहेंगे और बोलते रहेंगे। तो क्या उनकी वजह से मैं गले में फंदा बांध लूं अपने? तो भाई अब्बा से माफी मांग लेती, सिंपल। मांगी है मैंने माफी, इतनी दफा मांगी है। वो चाहते हैं किसी ऐरे गहरे के साथ बस मेरा हाथ थाम ले। तो तुम्हारा तरीका भी तो कितना गलत था, अम्मा को बता देती बाद में बात कर लेती, तुम भी उन्हीं के सामने शुरू हो गई। अच्छा प्लीज तुम्हें एक बात के ना पीछे मत पड़ा करो, गुजर गई है वो बात। अब खुदा के लिए अब कोई और टेंशन मत देना हमें प्लीज। पूछो, हमें बात बात पे टोकते हैं, हर वक्त कोई ना कोई पाबंदी रखते हैं हम पर, वो तुम्हें नजर नहीं आती? एक तो तुम्हें कुछ समझाना ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। हाँ तो फिर चुप हो जाओ ना। Are you Samaha? Yes. हाँ जिक्र सुना था आपका, आज देख भी लिया। किससे जिक्र सुना है मेरा? वो समाह चलो। किससे जिक्र सुना है मेरा? वो सजल मेरी बहन है। ओह सजल आपके बहन है। समाहा हमें देर हो रही है ना, चलो। फिर ना उसने उसको थप्पड़ मार दिया। समाहा यार आज से तुम बड़ा शाइन कर रही हो, क्या कर रही हो आजकल? कुछ भी नहीं, अल्लाह मियां ने मुझे हुस्न दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी शोखी है जी, खुद को प्रिंसेस समझती है ना। जरा सी शक्ल का दीदी अल्लाह ताला ने, इस बेचारी से तो हैंडल ही नहीं हो पा रही है। वैसे ये तो है सजल, समाहा हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है और पढ़ाई में भी अच्छी है। खुदा ने सब कुछ दे दिया है इसे, इतना आएगी तो भाई कुछ भी कर ले, मेरी बराबरी नहीं कर सकती ये, मेरा स्टेटस और स्टैंडर्ड कभी नहीं हो सकती। रहेगी तो भाई गरीब आदमी की बेटी। खा जाऊंगी, मार दूंगी। क्या हो गया भाई, सुबह सुबह खोए खोए हो? नशा है नशा, तू नहीं समझेगा। ऐसा क्या देख लिया जो ऐसा मदहोश सा फिर रहा है? वो देख लिया है जो पहले कभी नहीं देखा। बिल्लू, डोंट कॉल मी बिल्लू। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे मोहब्बत वोब्बत तो नहीं हो गई है? मोहब्बत ये क्या होती है? तो फिर मसला क्या है? पता नहीं भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल चल के कुछ खाते हैं। सब बता दूंगा, एक बार उससे दोस्ती तो होने दे। अच्छा सुन, खाना वाना नहीं खिलाऊंगा, मुझे सैलून जाना है। तेरे जैसे को सैलून जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई,
हम जैसों को ही ज्यादा जरूरत है ब्रो। लेट्स गो। चल लेट्स गो। वैसे पता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो। क्या करियो, खीरा दो मुझे मेरा। खूबसूरती को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वरना इस पे जंग लग जाता है। सज्जल को नहीं देखा, सब बन ठन के आती है हर वक्त, इसलिए तो इतना गुरूर है उसमें। वैसे इसमें सज्जल का क्या जिक्र, मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी। हाँ तो मेरा कॉम्पिटिशन है ना उससे। कॉम्पिटिशन नहीं है, तुमने फजूल में अल्लाह वास्ते का बैर पाला है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है उससे। वैसे क्यों कोई कॉम्पिटिशन नहीं है? हाँ ठीक है, स्टेटस में मुझसे ऊपर होगी, लेकिन लुक्स में मुझसे ऊपर नहीं है वो। अभी तो मैं हेयर कट कराऊंगी, लेयर्स वगैरह, फिर तुम देखना उसकी शक्ल जल जाएगी वो। तुम बाल कटवाओगी? अब्बा से तुमने मार खानी है। समाहा, अल्लाह से भी डरो और अब्बा से भी। फिर अब्बा का डर मुझ पे डालने की कोशिश की? मैं अब्बा से नहीं डरती, कितनी दफा बता चुकी हूँ तुम्हें। मेरे जो भी ख्वाब है ना, मैं उन सब में रंग भरूंगी, तुम देखना फिर। वैसे खीरा अच्छा लग रहा था। अरे मेरा खीरा। No, let's go there. वहाँ पे एक नई शॉप खुली है। Hey, सजल। Hey. वहाँ से कपड़े लेते हैं। Yo. सजल, सजल, listen. क्या है? फोन तो रखो। जरूरी बात कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा है। किससे कर रही हो? क्या है? बाद में कॉल करती हूँ। सुनो, मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, अपनी बर्थडे पार्टी इस बार कहाँ करूँ? मुझे क्या पता, इतनी सारी जगह कहीं भी कर दो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कोई जगह बताओ ना। गॉड, मुझे क्या पता, इतनी जगह खुद ही डिसाइड करो ना। लिसन, आई वाज थिंकिंग इस बार घर पे ही कर लेते हैं, यू नो पीपल नीड टू सी माय हाउस। रियली? किस किस को बुला रहे हो? अरे अपना पाँव उठाओ। अच्छा टाइम से बता देना मुझे, मुझे अपना ड्रेस भी प्रिपेयर करना है। तुम्हारे सारे दोस्त होंगे और जैसे तुम अभी बात कर रही थी वो भी हो सकता है। If you want, I don't mind. अच्छा? आप मुझे बताओ कि वो जो लड़की जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, उसको ही बुला लेते। उसका जिक्र यहाँ पे कहाँ से आ गया? और मैं क्यों उसे बुलाने लगी? मैं वैसे ही कह रहा था। Why not? I don't like her. I hate her. इतनी चीप है वो, हमारे साथ ब्लेंड इन नहीं कर पाएगी, जहर लगती है मुझे। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी अपने घर पे। अरे तो मैं, I was just pulling your leg, मजाक कर रहा था यार, क्यों सीरियस हो रही हो? अच्छा पार्टी पे बहुत कुछ होगा, just between me and you, हाँ? पार्टी पे हम दोस्त हैं, always. Friends. Thanks. Idiot. Annoying. Hello? हाँ. अबे वो क्या बना, तुम वो क्या बता रही थी कि वो रिश्ता करवाने वाली माई जो है वो कोई करेगी रिश्ता वगैरह? हाँ, कोई भी 20-25 हजार से कम में बात ही नहीं कर रही। 20-25 हजार रुपया, इतने से थोड़े काम का? कमाल हो गई वैसे, लोगों को भी हराम खाने की आदत हो गई है। बेचारियां सुबह से शाम तक भाग दौड़ भी तो कितनी करती हैं। अच्छा खासा रिश्ता आया था, साहबजादी के मिजाज ही नहीं मिले। अब पहले से अच्छी तरह पूछ लेना उससे, कहीं फिर शर्मिंदा ना करवा दे। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं पहले उसे तस्वीर दिखा लूंगी। हाँ तो इस घर में मर्जी लड़कियों की ही चलेगी, माँ बाप तो घास बेचते हैं ना। आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूं, दिन रात लटकती रहती है मेरे सर पे तुम्हारी बड़ी वाली बेटी, कहीं इसका कोई रिश्ता हो जाएगा तो मुझे सुकून आएगा। तवास्तफा, अल्लाह ऐसी बेटी किसी को ना दे। तवास्तफा।
क्या हुआ है? अब्बा के फरमान सुनकर आ रही हूँ। क्या कह दिया उन्होंने? यही कि मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, उनके लिए आजमाइश हूँ, अल्लाह किसी को ऐसी बेटी ना दे, और यही कि जब मैं अपने घर चली जाऊंगी तभी उन्हें सुकून आएगा। सानिया, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? ये तो तुम अब खुद से पूछो। मतलब तुम भी मेरे बारे में वैसे ही सोचती हो जैसे अब्बा सोचते हैं? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती समाहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल करो, लड़कियों की इतनी तेजी ठीक नहीं है यार। हाँ, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है लेकिन मर्दों के लिए तो हर चीज ठीक है। अपनी बेटियों, बीवियों, बहनों के साथ कुछ भी करें, कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार। तुम अब समझाओ, तुम्हारे ही सवाल का जवाब दिया है मैंने। हेलो। हेलो, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कहाँ से आ रही हो? अ वर्क थिंग। ये हमारे साथ भी कभी कभी बैठा करो। क्या बात है, बड़ा अच्छा मूड है। नहीं भाई, जब बेगम इतनी अच्छी लग रही हो तो जाहिर सी बात है शौहर खुश ही हो जाता है। वाओ, ऑल वेल गाइस, आज आप लोगों को साथ बैठे देख रहा हूँ और वो भी हंसते हुए। ऐसे भी कोई बात नहीं है, हम तो अक्सर बैठते हैं इकट्ठे, नहीं नुमान? हाँ, मैं तो अक्सर टेबल पर होता हूँ, तुम्हारी शक्ल इतनी नजर नहीं आ। अच्छा डैड, वो Saturday को मेरी birthday है and I'm throwing a scene at the house. Oh nice. Cash. कुछ पैसे, कितने पैसे होते हैं? Everything will be on the house obviously, तो 5 lakh. 5 lakh? क्या हो गया यार, 5 crore थोड़ी मांग ली है। तुम्हें पता ना तुम्हें छुड़वाने के लिए कितने पैसे खिलाने पड़े। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी रकम है? You make millions. Yes, but to make these millions, जान देनी पड़ती है। यार आपको तो बस बहाने बनाने आते हैं पैसे ना देने के लिए। जब तुम कमाने लगोगे ना तब मैं पूछूंगा कि बहाने क्या होते हैं। आप ये बताएं पैसे दे रहे हैं या नहीं? ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तमीज से तो बात करो। मैंने किस लहजे में बात की है डैड, कम ऑन। मतलब मैंने पैसे क्या मांग लिया आप मुझे क्रिटिसाइज करने लगे? इट्स माई बर्थडे डैड, 25th बर्थडे मेरी। नुमान तुम भी हद करते हो, इतने से पैसों के लिए उसको इतनी बातें सुना दी, उसकी 25th बर्थडे है, थोड़ा सा तो सोचा करो। मालूम है मुझे, और तुम ना उसकी इतनी बेजा हिमायत मत करो, बहुत बिगड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहा। बहुत ढील दे रखी है तुमने उसे, ना पढ़ाई की फिक्र ना पढ़ों का लिहाज। इतनी सख्ती बच्चों पर अच्छी नहीं होती। अब प्लीज कल पैसे निकाल देना, वो बेचारा इतना अपसेट हो गया है, मैं उसको जाके बताती हूँ। अरे प्लीज। ₹5 lakh। Hello girls. आप हमसे बात कर रहे हैं? Yes. बोले? वो परसों मेरी बर्थडे है, इट्स पार्टी एट माय हाउस, आप दोनों आए ना प्लीज। लेकिन हम तो आपको नहीं जानते। जान पहचान हो जाएगी, और वैसे भी ये मेरी बहन को जानती है, सज्जल योर क्लासमेट। हम आपके बर्थडे पे नहीं आ सकते, पहली बात ना ही हमारी जान पहचान है, और दूसरी बात ना ही हमें इस चीज की इजाजत मिलेगी।
जान पहचान होने में कितना वक्त लगता है। और इजाजत तो आप ले लेंगी, झूठ बोल के आ जाए कुछ नहीं होता, राइट? शुक्रिया आपका बहुत बहुत, लेकिन अभी झूठ बोलने की आदत नहीं है। आप क्यों खामोश? मैं सोचूंगी। आई होप कुछ अच्छा ही सोचेंगे। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको रागा। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको रागा। तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, हम वहां कैसे जा सकते हैं? तो जाऊं, तुम भी मेरे साथ रहो। बात पे गौर डालना पसंद करोगी कि हम वहाँ जाएंगे कैसे? तुम मुझ पे छोड़ दो ना, लेकिन हमें वहाँ जाना है। अब्बा कत्ल कर डालेंगे तुम्हें। मुझे क्यों? हम दोनों को, अगर शहीद होंगे तो साथ शहीद होंगे। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं है बिला वजह शहीद होने का, प्लीज। सानिया तुम कितनी बोर हो, इतने अमीर इतने बड़े घर वाले हमें दावतनामा भेज रहे हैं, हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे उनसे और तुमों के। ये ताल्लुकात बढ़ाने का दावतनामा नहीं है। अच्छा, ये जो तुम्हारी दुश्मन है ना, वो सज्जल, उसके भाई का बर्थडे कार्ड है। ये सोचो ना कि जब हम वहां जाएंगे सज्जल की क्या शक्ल बनेगी। तुम्हारे बाल पकड़ के तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देगी वो। कुछ भी नहीं करेगी, उसके भाई ने दावत दी है, उसका बर्थडे है, सिर्फ साइड में खड़ी होगी, देखेगी और कुड़ेगी। ये तुम बार बार हम का अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हो? मैंने तुम्हें कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम अपनी इकलौती बहन को दुश्मन के घर पर अकेले ही भेज दोगी? तुम पागल हो चुकी हो, वो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। तुम ये सोचो हम वहां जाएंगे कैसे आखिर। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, किसी की गाड़ी आएगी हमें उठाने। तुम पागल हो गई हो? नहीं, सच कह रही हूँ, सुदेश अपना ड्राइवर और गाड़ी भेजेगा हमारे लिए। तुम अब्बा को क्या कहोगी फिर? मैं पटा लूंगी, अम्मा को तो मैं आधा पटा भी चुकी हूँ। तो तुम्हें लगता है कि अगर अम्मा पट गई हैं तो अब्बा अपने आप पट जाएंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, बस हम सुदेश के घर जाएंगे और मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गए? जुदा मत हो